मंडी जिला के सुंदरनगर शहर के मुख्य बाजार भोजपुर में बीते गुरुवार को विद्युत तारों में हुए शॉर्ट सर्किट के बाद विभाग हरकत में आ गया है। इसके तहत शनिवार को विद्युत विभाग के अधिकारियों पार्षद नरेश वर्मा और व्यापार मंडल सुंदरनगर के पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से भोजपुर बाजार का निरीक्षण किया। मौके पर उपस्थित विद्युत विभाग सुंदरनगर के अधिशासी अभियंता राजेश कुमार कौंडल ने व्यापारियों को आश्वस्त किया है कि भोजपुर बाजार में विद्युत तारों को पूर्ण रूप से व्यवस्थित किया जाएगा, इससे भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी। परसों जो घटना रात को हुई 7 बजे के लगभग, उसकी रिगार्डिंग इलेक्शन साहब से शर्मा जी से मिले थे, उनसे हमने रिक्वेस्ट की कि एक बार हमारे भोजपुर बाजार का सर्वे किया जाए और इसका समाधान ढूंढा जाए कि इसका क्या हल है और कैसे हो सकता है। तो आज वो हम इस निरीक्षण के लिए निकले हैं बाजार के। इसमें इन्होंने काफ़ी सुझाव भी दिए हैं, कहाँ कुछ पोल लगेंगे या कुछ मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन मीटरों का गई है, एक मोटी सर्विस वायर डाल के वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जिससे कि तारों का जंजाल कम हो सके। तो इसका एस्टिमेट भी बनाएंगे। अब इन फ्यूचर जो भी है, इन्होंने आश्वासन दिया कि इसको जल्दी सॉल्व करने का हम कोशिश करेंगे। 2 दिन पहले आपने देखा कि बाजार में एक बहुत बड़ा हादसा जो है होने से टला, प्रभु की कृपा रही कि इसमें किसी का कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। उसी को मद्देनजर जो है आज बिजली विभाग की टीम व्यापार मंडल के साथ, मैं भी खुद आया हूँ, हमें एक्शन साहब है, एसपीओ साहब है, जय साहब है, इनके इसका जो भी परमानेंट हल हो सकता है। बाजार में जो है अपने आप देख रहे हैं कि तारों का एक जाल बना हुआ है, लोग अपनी बालकनी में भी बाहर नहीं खड़े हो सकते। इसी मद्देनज़र इसका कोई ना कोई परमानेंट हल निकले ताकि कोई आगे कोई दुर्घटना ना हो, इसी को देखते हुए जो आज सर्वे कर रही है टीम सारी लगी हुई है। राजेश कुमार कौंडल ने कहा है कि मौके पर उपस्थित अधिकारियों व कर्मचारियों को पूरे भोजपुर बाजार में विद्युत तारों को पूर्ण रूप से व्यवस्थित करने के आदेश दिए गए हैं। इसके साथ साथ भोजपुर बाजार ने एक नए ट्रांसफार्मर लगाना प्रस्तावित भी किया है, जिसको लेकर जगह जगह उपलब्ध करवाने पर उसे स्थापित भी किया जाएगा। विद्युत विभाग के अधिकारियों के समक्ष पार्षद तथा व्यापारियों ने भी अपने अपने सुझाव दिए हैं। मंडी से नितेश सैनी की रिपोर्ट। नेशन स्पीक्स अब बोलेगा हिंदुस्तान।